नमस्कार, अब मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताने जा रही हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम हमें कैसे और किस प्रकार से करनी चाहिए। जब भी हम भस्त्रिका प्राणायाम स्टार्ट करें तो हमें किसी आसन या मुद्रा और शांत वातावरण में आप ज्यादा करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्रदान होगा। कोई भी मुद्रा लगाएं, आप वायु मुद्रा लगाएं, ज्ञान मुद्रा लगाएं, चिन्ह मुद्रा लगाएं या आप हृदय मुद्रा लगाएं, इस प्रकार से ये आपका हृदय मुद्रा। जब हम यहाँ पे प्रेशर देते हैं तो हमारे हृदय पे दबाव जाता है, इस प्रकार से जिसमें आपको सुविधा हो, या आप वायु मुद्रा भी लगा सकते हैं इस प्रकार से, या आप सुखासन में बैठ सकते हैं या सिद्धासन में आप बैठ सकते हैं, ये आपका सिद्धासन है इस प्रकार से। ये यहाँ पे ये है, बिल्कुल ये आपकी एड़ी है इस प्रकार से, हम ये हमारा सिद्धासन है। या आप अर्थ पद्मासन में भी बैठ सकते हैं या आप ब्रज आसन में भी, ये हमारा है ब्रज आसन, आप इसमें भी बैठ के भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, या तो आप सुखासन में आ जाए। ये हमारा हो गया सुखासन। अब हम बैठे हैं अर्थ पद्मासन में, अब हम लगाए हैं ज्ञान मुद्रा। भस्त्रिका प्राणायाम से हमें बहुत सारे लाभ प्रदान होते हैं। हाई बीपी वालों को भस्त्रिका प्राणायाम कम करना चाहिए, जिससे लो बीपी हो वो व्यक्ति करेंगे तो उन्हें ज्यादा लाभ प्रदान होगा। यदि आपकी बीपी नॉर्मल है या हाई बीपी या लो बीपी वालों की, वो भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम एक नॉर्मल विधि है, एक एडवांस विधि है उसकी। नॉर्मल विधि ये है कि हम नाभि को ऐसे दबाते हैं और फिर हम नोज के द्वारा एक्सहेल करते हैं और बिल्कुल स्लोली स्लोली हमें भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। जैसे ये हमारा मणिपुर चक्र है तो इसको ऐसे दबाएंगे फिर नोज के द्वारा एक्सहेल, ये इसकी विधि है। इसे कहा जाता है लोहे के जो लोहार होते हैं जो अपनी धूकनी देते हैं, जिस प्रकार से उसी प्रकार से हमें अपने पेट को उसी प्रकार से बिल्कुल करना है, धूकनी के समान। जितना आप फास्ट करेंगे, जितनी क्षमता है आपकी फास्ट करिए, स्लो करिए, अपनी क्षमता अनुसार ही आप भस्त्रिका प्राणायाम करिए। इस प्रकार से जैसे इंजन आपकी चलती है, पहले स्लो स्लो चलती है फिर फास्ट चलती है, उसी प्रकार से हमें करना चाहिए। ये हम स्टार्ट करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। मणिपुर चक्र को पीछे की तरफ पुश करते हुए और नोज के द्वारा एक्सहेल करते हुए, पहले स्लो करेंगे अब फास्ट। पहले हमने स्लो किया फिर धीरे धीरे थोड़ा फास्ट, फिर हमने पूरा फास्ट किया। वन बार और करेंगे, पहले स्लोली स्लोली, फिर और थोड़ा फास्ट, फिर फास्ट अपनी क्षमता अनुसार।
ये हमारा हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। जो महिला या पुरुष नहीं कर पा रहे हैं वो स्लोली स्लोली करें, हल्का सा मणिपुर चक्र को ऐसे प्रेशर दें ताकि वो अंदर की तरफ आपका टमी दबा हुआ फिंगर्स के द्वारा एग्जिट, जितना प्रेशर जाएगा उतना ही आपकी पाचन क्रिया गर्म होगी, आपकी जठरग्नि प्रज्वलित होगी, उतना ही आपका पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। कोई भी आप गरिष्ठ भोजन करेंगे तो आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो आपकी जो पाचन क्रिया है वो पचाने में सक्षम रहती है, वो आसानी से आपकी गरिष्ठ भोजन को वो पचा लेती है, इसलिए इसका नाम भस्त्रिका प्राणायाम है। इससे आपकी चेहरे पे क्रांति आती है, आपकी फाइव इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जब भी हम ऐसे करते हैं तो हमारे फेस पे खिंचाव होता है, आलस्य निद्रा आपकी पेट की चर्बी को कम करता है, आपकी साइड की चर्बी को कम करता है। भस्त्रिका प्राणायाम आपके वेट लूज में आपके वजन को कम करेगा। वन बार और फास्ट करते हैं, बिल्कुल भस्त्रिका प्राणायाम अपने इष्ट का ध्यान करते हुए। अब हम आ गए बुद्धा आसन में, मन को शांत और स्थिर रखें। रिलैक्स। अब आपका एडवांस भस्त्रिका प्राणायाम है। हमारा पोजीशन वही होगा, किसी भी मुद्रा किसी भी आसन, मन को शांत और स्थिर करते हुए आपके शोल्डर स्ट्रेट, आपके बैठने का पोजीशन बिल्कुल इस प्रकार से। अब हम दोनों हैंड को यहां लाएंगे, ये एडवांस भस्त्रिका प्राणायाम है, और थंब को ऐसे जो हमारी पूरी ऊर्जा है उसको हम अपने मुट्ठी के अंदर पूरी ऊर्जा को भरेंगे और थंब को इस प्रकार से ऐसे प्रेशर देते हुए अंदर को लेंगे और इस प्रकार से मुट्ठी हमने बांध लिया। जब हम ऐसे आकाश की तरफ जाएंगे तो ऐसे प्रेशर देते हुए हैंड को खोलेंगे और फील करेंगे कि हम आकाश पूरी एनर्जी इस प्रकार से हम लेके वापिस आ रहे हैं। जब हम जाएंगे तो करेंगे इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ये हमारी ब्रीदिंग होगी। हमारे हाथ बिल्कुल यहां भी नहीं जाने चाहिए, ऐसे भी नहीं जाने, झुकने भी नहीं चाहिए आपके कि हम ऐसे झुक के यूं और यूं कर, हमारी बॉडी इस प्रकार से होनी चाहिए, हमारे दोनों हैंड इस प्रकार से होनी चाहिए। जब भी हम ले जाए तो मेरा हैंड ऐसे दिखना चाहिए आपको, और वापिस आते वक्त बिल्कुल इस प्रकार से प्रेशर देते हुए हमें वापिस आना है। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसे मैंने थंब को अंदर किया, प्रेशर बनाया, आपके इक्यूप्रेशर का भी ये काम करता है। आपको जितना इक्यूप्रेशर का फायदा होगा इतना ही आप दबा देंगे, उतना ही इक्यूप्रेशर आपका होगा, उतने ही बॉडी में आपको लाभ मिलेगा। हम इस प्रकार से किए, अब प्रेशर देते हुए जाएंगे, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो हमारी एनर्जी है उसे हम अपने मणिपुर चक्र के पास लाएंगे, ऐसे इस प्रकार से सिर्फ महसूस करेंगे। मणिपुर चक्र से होते हुए हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रवाह हो रहा है, बा पित्त कफ नसा बिल्कुल खत्म हो रहा है,
हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है। रिलैक्स। कहा गया है कि आयुर्वेद में ये तीन दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, जो हमारे शरीर में रहते हैं, उसे हम प्राणायाम योग के द्वारा ही हम उसे संतुलन में कर सकते हैं। यदि वात और पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ता है, तभी हमारी बॉडी में डिजीज उत्पन्न होते हैं। यदि हम आसन, प्राणायाम, ओम चैटिंग, योग निद्रा हम करेंगे, तो हमारी बॉडी में डिजीज होने की संभावना बहुत कम होती है। वन बार और भस्त्रिका प्राणायाम, एडवांस भस्त्रिका प्राणायाम, उसी प्रकार से थंब को अंदर किया, हैंड को यहां लाए हम, बिल्कुल इस प्रकार से इनहेल और एक्सहेल करते हुए, इनहेल एक्सहेल, 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 अपनी क्षमता अनुसार मणिपुर चक्र पे अपने ध्यान को ले जाएं। मणिपुर चक्र का संबंध हमारे पाचन क्रिया से होता है। रिलैक्स। जो हमारा मणिपुर चक्र है, वहां पे हमें येलो कलर का स्मरण करना चाहिए। मणिपुर चक्र हमारे येलो कलर चक्रों में बताया जाता है कि मणिपुर चक्र जो हमारा है वो येलो कलर का होता है। जब भी हम फील करें तो हम यहाँ पे येलो कलर फील करें। जैसे हम ज्ञान केंद्र पे डार्क ब्लू कलर स्मरण करते हैं, उसी प्रकार हम मणिपुर चक्र पर हम येलो कलर फील करें। रिलैक्स। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लीवर के लिए, जठरों के लिए, हृदय के लिए, फेफड़ों के लिए, आपके बाजुओं में बल आता है, आपके नितंबों में खिंचाव हो आता है, आपकी रीढ़ की हड्डियां बहुत ही स्वस्थ होती हैं, क्योंकि हम बिल्कुल इस प्रकार से जाते हैं तो बिल्कुल हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। आपकी भाई इंद्रियां, आपके श्वसन तंत्र को विशेष लाभ प्राप्त होता है भस्त्रिका प्राणायाम से। जिसे हाई ब्लड प्रेशर है वो इसे ना करें, जिसे लो ब्लड प्रेशर है वो भस्त्रिका प्राणायाम को करेंगे तो उन्हें ज़्यादा लाभ और रिलीफ मिलेगा। और नॉर्मल पोजीशन में सभी व्यक्ति, महिला या पुरुष या बच्चे, सभी लोग कर सकते हैं। इष्ट का ध्यान लगाएं। रिलैक्स। आपको ये मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।